कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईएनटी, न्यूरो सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग ने मिलकर दो मरीजों के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन किए हैं। डॉक्टरों ने कहा यह ऑपरेशन नाक के द्वारा बिना चीर फाड़ के किया गया है। दोनों ऑपरेशन अलग अलग चार घंटे में सफल तरीके से किए गए हैं। फिलहाल दोनों मरीज आईसीयू में भर्ती है और रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार दोनों मरीज ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे, जिसका असर दोनों मरीजों की आंख की रोशनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। दोनों मरीजों की उम्र तकरीबन 50 वर्ष के करीब बताई जा रही है। इस तरह का ऑपरेशन सफल कुमाऊं में पहली बार हुआ है, जिस पर डॉक्टर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आंखों की प्रॉब्लम थी, 6 महीने से आंखों की प्रॉब्लम थी। पिथौरागढ़ लेके गई थी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से रिफेयर कराया हल्द्वानी से रिफेयर कराने के बाद यहाँ से भी मतलब 1 महीने के बाद मुझे रिफेयर करवाने वाले थे। किसी भैया मतलब थ्रो पत्रकार भैया की वजह से यहाँ पे उनका एडमिट किया गया है, ऑपरेशन भी हो गया है और मतलब बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस। मेरे पूजा देवी दिन पहले यहाँ पर हमने फैमिली को लेकर आए दिखाने, तो ये पेशेंट बाहर जो था लेटा हुआ था, इसके मुझे रो रही थी, तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पति को हाई सेंटर रेफर कर दिया है और इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी हाई सेंटर जा सके। इसके बाद मैंने जो आलोक प्रति उनसे बात की, उनके बाद मैंने एक डॉक्टर अमित है उनके द्वारा इनको एडमिट कराया गया था। इसके बाद परसों इनका ऑपरेशन कराया द्वारा, लेकिन दो मरीज ऐसे जो न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा भर्ती किए गए, जिनकी डायग्नोसिस के दौरान पता चला कि इनको एक ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, जिसमें मरीज को खास तौर पर परेशानी जो होती है सर दर्द, दौरे पड़ने के साथ साथ आंख की रोशनी पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बताया न्यूरोसर्जन ने, धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी में कमी आती जा रही थी। ये चूंकि मरीज पहाड़ों में थे, जब यहाँ पे डायग्नोसिस हुआ तो ये हमने बहुत अच्छी ऑपरेशन करा, जो कि मतलब काफी डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। इसमें ईएनटी और न्यूरोसर्जन को मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर ऑपरेट करना पड़ता है। और ये पिट्यूटरी एडिनोमा था, जिसको बोलते हैं जो एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जो कि नाक के ऊपर स्फेनॉइड साइनस होता है, साइनस के ऊपर पिट्यूटरी होता है। तो वो जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है हमारा, वो ग्रंथि बहुत छोटी सी होती है और सब कंट्रोल वहीं से होता है। तो वो जो गांठ थी वो वहीं पर थी, और इसको जो मरीज हमारे पास है उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन सर दर्द और विजन, जो आँख की रोशनी।